हरियाणा न्यूज देखने वाले तमाम दर्शकों को नमस्कार। मैं आपके साथ सतवीर सारण और आपको बता दें कि 12 तारीख को पंचायत चुनाव होने हैं सिरसा जिला के नापसुरी चौटा ब्लॉक में। आपको बता दें कि आप तस्वीरें जो देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये गांव गिगोराणी की है। गिगोराणी गांव ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, उस फैसले पर चर्चाएं अब होंगी और उनसे बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि गांव गिगोराणी में सर्वसहमति से सरपंच का चुनाव कर लिया गया है। ये तमाम जो गांव के 36 बिरादरी के भाईचारे के जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने फैसला लिया है कि संदीप नंबरदार को गांव का सरपंच बनाया जाए और उसी फैसले पे कायम होते हुए ये फैसला आज अटल और निर्णय लेकर पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है। यहाँ गांव के मौजूदा जो तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, गाँव के युवा वर्ग हैं, बुजुर्ग हैं, सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम आप उनसे बातचीत करवाते हैं और क्या कुछ कहते हैं गांव के लोग। हमारे साथ पूर्व में सरपंच रहे वो भी हैं, मौजूदा सरपंच जो आज नव निर्वाचित हुए हैं वो भी हैं, संदीप उनसे भी बातचीत करें। सर नमस्कार। वैसे सब आपको गांव ने सर्वसहमति से सरपंच चुना है, क्या विशेष रहेगा गांव के लिए? सभी ग्रामवासी 36 बिरादरी ने सर्वसहमति से सरपंच चुना है। गाँव का विकास, समझा विकास, हम मिल बैठ के सारी समस्या की किस तरीके की होगी वो बैठ के सुलझाएंगे और गांव के उन चीजों के आसार लगाने की कोशिश। जी वैसे हमारे साथ पूर्व सरपंच हैं गोपीराम जी। गोपीराम जी, क्या ये पहली बार हुआ है कि आप पहले भी ग्राम पंचायत कभी सर्वसहमति से बनी? नहीं, ये पहली बार हुआ है। सभी 36 बिरादरी के सहयोग से संदीप को सरपंच बनाया गया और ये गांव के लिए बहुत ही खुशी का विषय है और सब मिल बैठ के विकास का कार्य करेंगे, सब जिम्मेदार है। जी क्या कुछ सभी गांव वासियों से पूछ कर और विकास कार्य में सहयोग करेंगे और सभी से पूछ कर अच्छे काम के लिए सब तैयार रहेंगे। पहली बार हमारे गांव में बैठी पंचायत बनी, आज तक जब से पंचायत चुनाव शुरू हुए। संदीप, क्या सोच आप युवा हैं, क्या सोच रखते हैं गांव के लोगों के प्रति, गांव के विकास के प्रति, सब क्या काम है जो आप करना चाहते हैं? गांव के सभी साझा विकास कार्य है, चाहे स्कूल का हो, चाहे गलियों का हो, कोई खाड़े का हो, मोगा है, जो भी है, सब सभी कार्य के लिए साझा काम करेंगे, सारी कमेटी गठित करेंगे, वाकई से बैठ के सबको साथ लेके चलेंगे। किसी लेवल का है गांव के साझा विकास कार्य, सब मिल बैठ के करेंगे। सारा गांव हमारा गांव एक परिवार की तरह है, मिल बैठ के हंसों में सकाले में बैठ के निकालते हैं, किसी तरह आगे चलेंगे, इस परंपरा को निभाएंगे। दिन दुगुनी रात चौगुनी हमारे गांव का नाम चिरा ले तो करता हमारी, यही हमारी सोच। हमारे साथ और साथी हैं सुरेंद्र विश्वास जी हैं, जिसने सब गांव में आज बैठी पंचायत चुनी गई है, क्या कुछ संदेश है? संदेश तो पहले तो सारे 36 बिरादरी के लिए सभी को धन्यवाद है। तेरा अकेला संदीप ये सरपंच नहीं है, पूरे गिगो रानी के छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग, माता बहना सभी आज इस लेवल पे है कि सभी अपने आप को ये कह सकते हैं अभी हम सरपंच है, क्योंकि सभी ने अपनी सर्वसम्मति से बनाया है और अकेला संदीप सरपंच नहीं है, पूरा गांव ही सरपंच है इस बार। उस गांव के लोगों को और हमारे साथ गांव के और रोहतास बांदर साहब जी, गांव में बैठी पंचायत बनी है, क्या कुछ संदेश है? सबसे पहले तो क्योंकि मेरे चाचा जी अभी स्टैंडिंग सरपंच है मौके पर, सबसे पहले तो मैं सारे गांव को बधाई देता हूँ। बागड़ी में भी सारे भाई यहाँ जो सहयोग दियो वो मतलब अविस्मरणीय है, इतिहास में दर्ज हो गया है गिगोराणी के। और दूसरे गांव में जहाँ लड़ रहे हैं, मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से भी, जो भाईचारा बढ़ा है। एक और बात भाई साहब, क्योंकि गैर राजनीतिक एक ही इलेक्शन होता है, जैसे देहात की हम बात करें, आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि बिना राजनीतिक पार्टी के मात्र 5 साल में एक इलेक्शन करते हैं पंचायत सरपंच का, और वहां पर छोटा मोटा मन मुटाव सारी चीजें याद आती है, उसके बावजूद एक सर्वसम्मति बनाना, सहमति से एक आदमी को चुनना, 2130 समथिंग वोट है हमारे, उनमें से एक आदमी को, बहुत बड़ी बात होती है ये, तो भाईचारा तो है ही। एक खास बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस भाई को हमने चुना है संदीप बेनिवार, ये पिछले इलेक्शन के रनर अप है, यानी कि हमारे चाचा जी जो अब सरपंच है उनके सामने इलेक्शन लड़ा है, तो इस आधे गांव ने जिसके सामने इलेक्शन लड़ा हो उस आदमी को चुनना, ये तो बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा भाईचारा शायद ही कहीं मिले।
ये मैंने सुना है कि दो पार्टियां खड़ी हैं, तीसरे के ऊपर सहमति हो जाती है, ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिसने 5 साल पहले इलेक्शन लड़ा और पूरे गांव ने उसी को जाके सर्वसम्मति से सरपंच चुन लिया हो, ये शायद उदाहरण हरियाणा में तो आपको नहीं मिलेगा। ये गिगोरानी के सभी लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं और पूरी नवनिर्वाचित हमारे 11 जो वार्ड है उनमें से 9 की हो चुकी है। आज भाई साहब ने ये आश्वासन दिया कि 2 जो वार्ड बचे उनके पंच भी सर्वसम्मति से चुने जाएंगे, तो इसका मतलब है 11 और एक 12 आदमी बिल्कुल सहमति से, गांव की सहमति से, जहां 12 आदमियों को चुन लिया गया है तो काम तो सारा गांव इकट्ठा होकर करेगा। सरपंच इसमें जिम्मेवारी बड़ी है लेकिन दिक्कत कोई नहीं आएगी, ऐसी मैं कामना करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे गांव की ये पंचायत पूरी तरक्की करे। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई साहब। ये तमाम जो गांव के आप युवा बुजुर्ग और नौजवान साथी देख रहे हैं, आपको बता दें कि कहा जाता है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो सही यार। जहां पिछली बार संदीप प्रतिद्वंदी रहे और चुनाव में हार गए थे और उसी गांव ने फैसला लिया कि संदीप को गांव की बागडोर दी जाए, और ये गिगोरानी गांव के तमाम 36 बिरादरी के भाईचारे ने इस बात पे मोहर भी लगाई और संदीप को सर्वसहमति से गांव का सरपंच चुन लिया गया। एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है गिगोरानी गांव के लोगों द्वारा, बधाई के पात्र हैं तमाम गांव के लोग। हमारी आपसे अपील है कि इस भाईचारे का जो चुनाव है इसको शांतिप्रिय लड़ा जाए या सर्वसहमति से पंचायतें गठित की जाए। ये तमाम जानकारियां आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पे। मैं आपके साथ सतवीर सारण, कैमरा पर्सन जोनी शर्मा के साथ, धन्यवाद।